अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो हमने जो है मामा चिकन से उसके जो चूज़े हैं उनको अलग कर लिए, और ये आप जिनकी नाक पे दाने वाने देख रहे हैं उनको चिकन बॉक्स हुई हुई 20 पाँचों को, ये 1 2 3 4 और वो 1 5 कोने पर सुस्त हो रहा है वो थोड़ा सा। बाकी इनके पानी में हमने दवा तो डाल दी थी, दरी हुए बल्कि अभी भी दोपहर में ही डाली थी, और बस जल्दी से ये ठीक हो जाए। और बाकी हमने इसी बेसन में ऊपर थोड़ा सा पुदीना, इस वाले पुदीने से तो काट के यहाँ से बड़ी बड़ी डंडियाँ काट के उसको यहाँ पे हमने लगा दिया था ताकि ये उग जाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह जो अभी इनकी जो नीचे है रूटिंग भी स्टार्ट हो गई है, मैंने भी कल परसों देखा था तो उसके नीचे से रूट भी निकल गई, और ये अब जो है इनमें भी पत्तों में खुशबू बहुत आ गई है, और यहाँ पे ये एक छोटा सा निकल गया, इसकी रूटिंग स्टार्ट नहीं हुई अभी, बाकी ठीक है ये भी, बाकी इन सब की हुई है जो बाकी लगे हैं। और यहाँ पे हमारा पुदीना तो नहीं हुआ था, हरा धनिया तो नहीं हुआ था, तो हम मैंने सोचा यहाँ पे कुछ लगा ही दूँ, तो टमाटर के बीज लगाए मैंने यहाँ पे, ये जहाँ जहाँ मैंने ये लगाया हुआ है ये वहाँ वहाँ मैंने जो टमाटर दबाए हुए बीज। बाकी हमने जो है अपनी ये वाली वाइट वाली फीमेल को भी अब खोल दिया, और इन दोनों मेलों को भी खोल दिया, तो अब तो लड़ाई नहीं होती। शुरू में हल्की फुल्की हुई थी लेकिन फिर शायद हो गए, और अब ये भी अच्छी बात है कि अब ज़ख्मी भी नहीं कर रहे इसको। बाकी इधर एक मेल कम लग रहा है, उस वजह से कम लग रहा है क्योंकि ये जो दो मेल हैं इसको तो नहीं मारे, लेकिन उस मेल को मार मार के उन्होंने हालत बुरी कर दी थी। तो हम लोग शाम को आए थे ना ऊपर खाना आने, तो इसका मुँह वो यहाँ कोने अंदर ही उसके अंदर प्रणाली के अंदर मुँह घुसेड़ के बेचारा बैठा हुआ, और ये दोनों यहाँ आसपास बैठे रहे थे, और नोचे जा रहे थे उसको, ये रहा वो अंदर बेचारे की अब ये हालत तो देख ही सकते हैं कितना मारा। एक टांग से इसकी जो भी चलने में इसको बहुत तकलीफ हो रही है, सुबह रोज़ाना एक्सरसाइज से करवाते हैं इसकी। बाकी अभी इसकी आँख आँख देख सकते हैं कैसी अजीब सी हुई है, मारा था उन्होंने इसको, जिसको पीछे से भी थोड़ा सा गंजा कर चुका। बाकी इसलिए भी हम दवाई लगा रहे हैं, तो अल्लाह करे जल्दी से जल्दी ये भी ठीक हो जाए। बाकी हमने मामा चिकन को भी अंदर खोल था लेकिन उसकी लड़ाइयाँ इतनी हो रही हैं। यस, बाकी ये हमारे जो ये है एलोवेरा का पौधा, इसमें से पता नहीं है क्या डंडी निकल रही है, मैंने खुद पहली दफ़ा देखी है, और मेरे ख्याल से इसमें बीज निकलेंगे, फूल है मेरे ख्याल से इसका, और मुझे खुद ये नहीं पता है क्या है क्योंकि पहली दफ़ा मैंने देखा है लगा हुआ ये। अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताए कि ये है क्या इसमें जो निकल रहा है। बाकी मुझे आपको मेन चीज़ जो दिखाई थी तो मैं भूल ही गया, पहले तो ये कि हमारा माशाल्लाह कड़ी पत्ता जो है माशाल्लाह माशाल्लाह इतना घना हो गया, और अब ये मतलब ऊंचाई में भी बढ़ रहा है, ऊपर भी हो रहा है लंबा। बाकी ये आप देख सकते हैं ये हमारे जो है वो ये मिर्चों के पौधे, ये वाला तो मैंने खुद उगाया था, बाकी ये तो खरीदे थे, इसमें भी शिमला मिर्च लगी हुई थी वो देखी दिखाई थी मैंने आपको, शायद वो मैं तोड़ ली क्योंकि पक गई थी, पहली पहली शिमला मिर्च थी अभी वो छोटी सी थी। बाकी इस वाले जो पौधे में जो हमने उगाया था उसमें माशाल्लाह एक ये लगी हुई हरी मिर्च, और दूसरी एरी, तीसरी एरी, चौथी एरी, पांचवी ओरी, और पीछे 6-7 पीछे 2 हैं, और ये एक बस में टोटल इसमें जो लगी हुई है वो 8 लगी हुई है इस वाले पौधे में जो हमने उगाया। बाकी जो हमने ख़रीद करा इसमें तो खैर माशाल्लाह कलियाँ भी इतनी सारी लगी हुई हैं, आपको मिर्चें भी बहुत सारी दिख रही होंगी, फिर भी गिन लेता हूँ मैं, एक तो ये रही माशाल्लाह माशाल्लाह, दूसरी हो रही पीछे वो, तीसरी हो रही, चौथी हो रही, पाँचवीं हो रही, छठी ये रही, बाकी पीछे भी लगी हुई बहुत सारी लगी हुई, गिन नहीं पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे धूप भी मेरे मुँह पर पड़ रही है ना बहुत ज़्यादा, उस वजह से मैं गिन नहीं पा रहा हूँ, सूरज की रोशनी पड़ रही है। बाकी आप लोग तो देख ही सकते हैं माशाल्लाह कितना घना हो चुका है पौधा भी, और इसमें मिर्ची भी माशाल्लाह बहुत लग गई हैं। बाकी हमारा ये जो है सूरजमुखी का पौधा है इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी सी हो रही है, काफ़ी लंबा हो चुका है, और हमारा जो ये है पुदीना इसकी भी ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छे से हो रही है, मैंने भी इसको कुछ दिन पहले काटा था बहुत सारा ये घर में चाहिए था इसलिए, लेकिन ये माशाल्लाह फिर इतना सारा बढ़ गया, क्या करें अब इतनी तेज़ तेज़ बढ़ रहा है, इसको भी मुझे तोड़ना भी है क्योंकि वरना अगर तोड़ूंगा तो फिर ख़राब हो जाएगा ज़ाहिर सी बात है। बाकी इसको मैं तोड़ लेता हूँ अच्छा खासा, फिर आपको दिखाता हूँ मैं तोड़ने के बाद। फ़ौरन यहाँ पे सारी पत्ता है आ गए, जैसे इनको मैं कुछ तोड़ के दे रहा हूँ, पत्ते पत्ते तोड़ के दे रहा हूँ,
क्योंकि पत्ते और शौक से खाती है ना। इतना सारा जो है थोड़ा सा जो है नीचे वीचे भी एरिया थोड़ा ज़्यादा, तो सारी पत्ते खा गई। बाकी ये सारा मैंने तोड़ चुका है उसमें जितना भी था, बाकी ये भी और ग्रोथ करेगा इंशाल्लाह, फिर इसमें और तोड़ेंगे, फिर इसको हम नीचे सुखा देंगे। बाकी यहाँ पे भी जो है फ़िलहाल एक मकड़ी आई हुई, बाकी ये हमने सारा तोड़ चुका है, भर गई है पूरी। फिर अभी हवा चल गई, मैं निकालूंगा ना प्लेट में, ऐसे सारी गिर जाएंगी, वैसे निकाल लेंगे फिर बता के खा लेंगी। इसको हम ले लेते हैं, ला के रख देते हैं इसको यहाँ पे, ताकि यहाँ से गिरे नहीं। आप देख सकते हैं मसल इतना गिरी ना आगे से, जैसे बाहर वाला पुदीना होता है ना, उसकी खुशबू कुछ भी नहीं है पुदीने के सामने, जो खुशबू है इसकी। बाकी भूखी बत्तख सारी आई हुई है हमारी, जैसे इनको हम कुछ देते ही नहीं है खाने का। तो बस हमारे दोस्तों, हमारी आज का छोटा सा ब्लॉग यही था। अगर आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब से कर लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे ब्लॉग इसलिए भी कम आ रहे हैं क्योंकि अभी मेरे पेपर चल रहे थे और अभी चल रहे हैं, और तो ऐसे मेरे भी आ नहीं पा रहे ब्लॉग, क्योंकि मैं घर में नहीं होता, ट्यूशन मदरसे स्कूल ऐसे ही होते हैं, फारिग नहीं होता मैं। तो बस दोस्तों,